subscribe my channel and press bell icon for latest car and technology updates. Assalamu alaikum and welcome to Tech Tips Expert. आज की वीडियो में हम होंडा सिविक ओरियल 1.8 सीवीटी और टोयोटा क्रोला एल्टिस ग्रैंडे 1.8 सीवीटी का इन डेप्थ कंपैरिजन करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्राइस. बोथ कार्स कम विद द सेम प्राइस टैग ऑफ 25,49,000 रुपीस. इन प्राइसेस में एडवांस इनकम टैक्स शामिल नहीं है. एडवांस इनकम टैक्स आपको कार बुकिंग के टाइम पे देना पड़ता है, इन प्राइस में वो शामिल नहीं है. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चलें कि इस चैनल पे आपको कंपैरिजन वीडियोस की एक सीरीज मिलेगी. सो सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो वॉच अदर अपलोडेड वीडियोस. सबसे पहले इन दोनों कार्स के कुछ कॉमन फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं. दोनों कार्स में आपको 1.8 लीटर इंजन, सीवीटी ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इमोबिलाइजर विद एंटी थेफ्ट मैकेनिज्म, सनरूफ और इसके अलावा आपको डुअल फ्रंटल SRS एयरबैग्स भी मिलते हैं. नाउ लेट्स चेक आउट द डायमेंशंस ऑफ बोथ कार्स. दोनों कार्स की डायमेंशन हमें ऑलमोस्ट सेम मिलती है. जहाँ तक लेंथ की बात करें, होंडा सिविक की लेंथ हमें 4630 mm मिलती है, जबकि टोयोटा क्रोला एल्टिस ग्रैंडे की लेंथ 4620 mm मिलती है. होंडा सिविक ओरियल विथ 1799 mm, वेयर एज टोयोटा क्रोला एल्टिस ग्रैंडे विथ इज 1775 mm. होंडा सिविक ओरियल हाइट इज 1433 mm, whereas Toyota Corolla Altis Grande's height is 1475 mm. So दोनों cars की dimension में कुछ खास फर्क नहीं है. इस comparison video को दो parts में divide किया गया. पहले phase में आपको वो features बताए जाएंगे जिनकी base पे Honda Civic Orial beat करेगी Toyota Corolla Altis Grande को, और second phase में आप वो features discuss किए जाएंगे जिनमें Toyota Corolla Altis Grande beat करेगी Honda Civic Orial को. So start with those features in which Honda Civic Orial beats Toyota Corolla Altis Grande. Difference number one is of tires. Honda Civic Orial 1.8 CVT में आपको 215/55/R16 के टायर मिलते हैं, जबकि Toyota Corolla Altis Grande में आपको 205/55/R16 के टायर मिलते हैं. तो इस तरह Honda Civic Orial में हमें टायर की विड्थ कंपैरेटिवली लार्जर मिलती है, which results in better road grip and behaviors on turns. Difference number 2 is of ground clearance. Honda Civic Orial में हमें 153 mm की ground clearance मिलती है, जबकि Toyota Corolla Altis Grande में हमें 140 mm की ground clearance मिलती है. So इस तरह Honda Civic Orial की ground clearance Toyota Corolla Altis Grande से थोड़ी बेहतर मिलती है. Difference number 3 is of electronic parking brake with auto hold function. Honda Civic Orial में हमें electronic parking brake with auto hold function मिलता है, जबकि Toyota Corolla Altis Grande में हमें conventional parking brake मिलती है. Difference number 4 is of rear AC vents. Honda Civic में हमें rear passengers के लिए rear side AC vents भी मिलते हैं, जबकि Toyota Corolla Altis Grande में हमें rear AC vents नहीं मिलते. Difference number 5 is of sporty look interior and exterior. Honda Civic Orial का interior और exterior दोनों हमें काफ़ी sporty लगते हैं, जबकि Toyota Corolla Altis Grande की looks जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं हैं. Difference number 6 is of digital speedometer. Honda Civic Orial में हमें डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है, जबकि Toyota Corolla Altis Grande में हमें एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है. इसके अलावा हमें Honda Civic Orial का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर Toyota Corolla Altis Grande के इंटीरियर और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से थोड़ा स्टाइलिश मिलता है. नाउ लेट्स डिस्कस दोज फीचर्स इन विच Toyota Corolla Altis Grande बीट्स Honda Civic Orial 1.8. डिफरेंस नंबर 7 इज ऑफ टॉर्क. होंडा सिविक ओरियल में हमें 169 Nm का टॉर्क मिलता है, जबकि टोयोटा क्रोला एल्टिस ग्रैंडे में हमें 173 Nm का टॉर्क मिलता है, जो कि होंडा सिविक ओरियल से थोड़ा ज़्यादा है. डिफरेंस नंबर 8 इज़ ऑफ पैडल शिफ्टर्स. होंडा सिविक ओरियल में हमें पैडल शिफ्टर्स नहीं मिलते, जबकि टोयोटा क्रोला एल्टिस ग्रैंडे में हमें CVT ट्रांसमिशन के साथ पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं, ताकि हम गियर्स को अपनी मर्जी के मुताबिक मैनुअल तरीके से भी अपशिफ्ट और डाउन शिफ्ट कर सकें. डिफरेंस नंबर 9 इज़ ऑफ फ्रंट कैमरा. Honda Civic Orial 1.8 में हमें फ्रंट कैमरा प्री इंस्टॉल नहीं मिलता, जबकि Toyota Corolla Altis Grande में हमें फ्रंट कैमरा प्री इंस्टॉल मिलता है. डिफरेंस नंबर 10 इज ऑफ सनग्लास होल्डर. Honda Civic Orial 1.8 में हमें सनग्लास होल्डर नहीं मिलता, जबकि Toyota Corolla Altis Grande में हमें सनग्लास होल्डर भी मिलता है. Toyota Corolla Altis Grande में हमें ऑटोमेटिक हेडलाइट लेवलिंग डिवाइस मिलती है, ताकि गाड़ी की हेडलाइट टॉर्क के हिसाब से अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकें, लेकिन होंडा सिविक ओरियल में हमें ऑटोमेटिक हेडलाइट लेवलिंग डिवाइस नहीं मिलती. डिफरेंस नंबर 12 इज़ ऑफ रेयर डिफ्रॉस्टर. टोयोटा क्रोला एल्टिस ग्रैंडे में हमें रेयर डिफ्रॉस्टर भी मिलता है, जबकि होंडा सिविक ओरियल 1.8 CVT में हमें रेयर डिफ्रॉस्टर नहीं मिलता. डिफरेंस नंबर 13 इज़ ऑफ बूट लगेज कैपेसिटी.
Toyota Corolla Altis Grande में हमें बूट लगेज कैपेसिटी 470 लीटर मिलती है, जबकि Honda Civic Orial 1.8 CVT में हमें 355 लीटर की बूट लगेज कैपेसिटी मिलती है। सो इस तरह Toyota Corolla Altis Grande में हमें बूट लगेज कैपेसिटी Honda Civic Orial 1.8 CVT से ज़्यादा मिलती है। डिफरेंस नंबर 14 इज ऑफ लेदर सीट्स। Toyota Corolla Altis Grande में हमें प्री इंस्टॉल लेदर सीट्स मिलती हैं, जबकि Honda Civic Orial 1.8 CVT में हमें प्री इंस्टॉल लेदर सीट्स नहीं मिलती और हमें लेदर सीट्स के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। डिफरेंस नंबर 15 इज ऑफ प्री इंस्टॉल नेविगेशन सिस्टम। Toyota Corolla Altis Grande में हमें प्री इंस्टॉल नेविगेशन सिस्टम मिलता है, जबकि Honda Civic Orial 1.8 CVT में हमें प्री इंस्टॉल नेविगेशन सिस्टम नहीं मिलता और नेविगेशन सिस्टम के लिए हमें एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा हम इन दोनों कार्स के कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। Toyota Corolla Altis Grande में हमें ऑटोमेटिक रिवर्स लिंक मोड मिलता है। इस मोड में गाड़ी रिवर्स गियर इंगेज करने पे अपने साइड मिरर्स को खुद बहुत एडजस्ट करती है, ताकि ड्राइवर्स को गाड़ी का लोअर बैक साइड व्यू बहुत ही क्लियर नज़र आए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा Toyota Corolla Altis Grande में हमें क्रूज़ कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्पोर्ट्स मोड, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, पुश स्टार्ट सिस्टम और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स एंकर भी मिलते हैं, ताकि चाइल्ड सीट्स को रेयर सीट पे इजीली एडजस्ट किया जा सके। इसके अलावा अगर Honda Civic Orial 1.8 CVT के कुछ एडिड फीचर्स की बात की जाए, तो उनमें हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्पोर्ट्स मोड, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए, तो Honda Civic Orial में हमें एमरजेंसी स्टॉप सिग्नल और ऑटो ब्रेक होल्ड का फंक्शन भी मिलता है। एमरजेंसी स्टॉप सिग्नल में अगर आप Honda Civic Orial में ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो आपकी गाड़ी की बैक लाइट्स ब्लिंकिंग स्टार्ट कर देती हैं, जो कि पीछे आने वाली कार्स के लिए ब्रेकिंग इंडिकेटर्स के तौर पे काम करती हैं। ऑटो ब्रेक होल्ड फंक्शन में अगर आप Honda Civic पे अपहिल ड्राइव कर रहे हैं और अगर आपको ब्रेक अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ गई है, तो अगर आप ब्रेक के साथ ऑटो ब्रेक होल्ड का फंक्शन प्रेस कर देंगे, तो गाड़ी अपने आप को रोक लेगी और उसके बाद आप ब्रेक पेडल से चाहे पाँव हटा दें, तो गाड़ी तब भी अपने आप को रोक के रखेगी। उसके बाद जब आप एक्सेलेरेटर पेडल को प्रेस करेंगे, तो गाड़ी खुद बहुत ब्रेक रिलीज कर देगी। नाउ यू आर व्यूइंग द कंप्लीट चार्ट इन विच Honda Civic Orial बीट्स Toyota Corolla Altis Grande। इनमें ग्राउंड क्लियरेंस, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, रेयर एसी वेंट्स, डिजिटल स्पीडोमीटर और स्पोर्टी इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लुक्स शामिल हैं। नाउ यू आर वॉचिंग दोज फीचर्स इन विच Toyota Corolla Altis Grande बीट्स Honda Civic Orial 1.8 CVT। इन फीचर्स में पैडल शिफ्टर्स, फ्रंट कैमरा, सनग्लास होल्डर, ऑटोमेटिक हेडलाइट लेवलिंग डिवाइस, रेयर डिफ्रॉस्टर, बूट लगेज कैपेसिटी, लेदर सीट्स और नेविगेशन सिस्टम शामिल हैं। जहाँ तक मेरी ओपिनियन की बात है, तो मैं आपको दोनों कार्स ही सजेस्ट करता हूँ। चॉइस इज योर्स। क्योंकि फीचर्स के हिसाब से अगर इन दोनों कार्स का कंपैरिजन किया जाए, तो दोनों कार्स हमें ऑलमोस्ट इक्वल ही मिलती हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड ऑल्सो वॉच अदर अपलोडेड वीडियोज़। थैंक यू।